हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हर साल 5 मार्च को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस डिसऑर्डर को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर DID या दोहरा व्यक्तित्व की समस्या भी कहा जाता है। काफ़ी लोग इसको स्प्लिट पर्सनैलिटी के नाम से भी बुलाते हैं। ये जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन है। दोस्तों, ये डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस डिसऑर्डर के लिए जानकारी पहुंचाई जा सके। अगर प्रीवेलेंस की बात करें तो 1 से 2% लोगों को ये डिसऑर्डर होता है। हालांकि काफ़ी बार ये डिसऑर्डर डायग्नोज करने में डिफ़िकल्टी आती है और काफ़ी बार जो पेशेंट होते हैं वो डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पाते, तो इसलिए इसमें समस्या आती है डायग्नोज करने में। अब बात आती है कि ये डिसऑर्डर होता कब है। तो दोस्तों, जब कोई ट्रॉमेटिक इवेंट आता है या लाइफ में किसी पर्सन के ऐसी समस्या चल रही होती है जिसका कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, या बहुत समय से आपस में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहे हो रिलेशन में, जो कि बहुत क्लोज रिलेशन है, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है और बच्चों का अपने पेरेंट्स से रिलेशन में कन्फ्लिक्ट है, सास बहू का कन्फ्लिक्ट है, तो ऐसे में ये समस्याएं देखी जाती हैं। और जो लोग जिनमें की कोपिंग स्किल कम होते हैं या चीज़ों को समाधान करने के उनके जो स्किल हैं अगर वो पुअर होते हैं या थोड़ा ज्ञान का अभाव होता है, तो ऐसे लोगों में ये समस्याएं ज़्यादा देखी जाती हैं। अब दोस्तों, ये होता क्या है, समस्या इसमें किस वजह से आती है। तो जैसे हम समझते हैं कि हमारा ये दिमाग है, तो दिमाग के लेवल पे काफ़ी चीज़ें जो बॉडी के फंक्शन हैं वो इंटीग्रेट होते हैं। जैसे कि जो हमारी मेमोरीज हैं, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारे मूवमेंट है जो हम कर रहे हैं और जो सेंसेशन हम फील करते हैं, ये सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन दिमाग के या मस्तिष्क के लेवल पर होता है। और जब कोई ट्रॉमा आता है या कोई स्ट्रेस वाली चीज़ होती है किसी के साथ, तो ये इंटीग्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। तो जैसे कि मैंने बात करी कि मेमोरीज और आइडेंटिटी, तो काफ़ी लोगों में जो इनका कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो लोग एक डिफरेंट आइडेंटिटी ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि कोई एक पर्सन है वो बहुत एग्रेसिव का है और सेम पर्सन में दूसरे टाइम पे आइडेंटिटी आती है कि वो बहुत शांत स्वभाव का है, तो इस तरह की आइडेंटिटी। और मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को काफ़ी सारी मूवीज़ में भी दिखाया गया है। अगर जैसे फेमस मूवीज़ की बात करें तो इंग्लिश में सिबिल मूवी आई थी, उसमें इसको दिखाया गया है, और हिंदी में बहुत फेमस मूवी जैसे भूल भुलैया और साउथ की मूवी थी अपरिचित, उसमें इसको दिखाया गया था। तो जैसे अपरिचित की बात करें, उसमें दो करेक्टर थे, एक शांत स्वभाव का पर्सन था और एक दूसरा करेक्टर था जो एग्रेसिव था, और ये दोनों ही अवस्थाएं एक ही पर्सन में आती थी। भूल भुलैया मूवी में भी जो विद्या बालान होती है, उसमें बीच बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी आती थी जो कि आपके बंगाली बोलती थी और जो काफ़ी एग्रेसिव थी, जो कि उसके ट्रॉमा के पास्ट में जो इवेंट हुए थे उससे रिलेटेड थी। तो उसमें उसका दिखाया गया है कि कैसे साइकेट्रिस्ट और जो हमारी ट्रेडिशनल जो पैथीज होती हैं उसके द्वारा उसको ठीक किया जाता है। पर्सनल लाइफ के केसेस की मैं बात करूं तो काफ़ी OPD में भी हम ये केसेस देखते हैं। तो एक 22-23 साल की एक यंग फीमेल एडमिट हुई थी, अनमेरिड थी वो, और जब उसको OPD में देख रहे थे, 1-2 महीने से वो OPD में दिखाने आ रही थी, तो कभी उसके सिम्टम हमें बाइपोलर या मैनिया जैसे लगते थे, कभी वो पेशेंट हमें साइकोसिस का लगता था, कभी वो पेशेंट हमें सूडो सीजर या डिसोसिएशन का लगता था। तो डायग्नोसिस उसका प्रॉपर हो नहीं पा रहा था, तो उसको एडमिट किया गया। तो जब हमने उसको एडमिट किया तो देखा किसी दिन वो अपनी बड़ी बहन की तरह बिहेव करती थी और किसी दिन वो अपने एक जो उसका छोटा भाई था उसकी तरह बिहेव करती थी, और उसी के अनुसार उसकी चाल ढाल बोली भाषा हो जाती थी, उन्हीं का वो उनको मिमिक करने की कोशिश करती थी, और 4-5 घंटे तक उसका वही स्वरूप और स्वभाव रहता था। तो काफ़ी बार जो उसके सिम्टम थे वो मैच किए और उसको ऑब्जर्वेशन हमने किया, तो हमने फिर डायग्नोसिस बनाया उसका डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का। अब फिर जैसे मैंने डिस्कस किया कि कोई ये जो डिसऑर्डर है कोई एक ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद भी आ सकता है, और या फिर कोई ऐसी समस्या जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो या परिवार में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा हो। तो जब हम डिटेल में गए तो हमको पता चला कि थोड़ा उसका पहले से ही इम्पल्सिव नेचर था, तो जो शो करता है कि थोड़े कोपिंग स्किल की कमी थी। फिर हमने स्ट्रेस के बारे में बहुत ढूंढने की कोशिश की तो वो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन एक दिन पेशेंट जब कंफर्टेबल हो गई ट्रीटमेंट टीम के साथ, 1 हफ्ते बाद उसने रिवील किया कि वो किसी एक फैमिली मेम्बर को लाइक करती थी जो उनके रिलेशन में है, और उससे उसकी शादी नहीं हो सकती कि वो रिलेशन ऐसा ही है और हिंदू परिवारों में ऐसे में शादी नहीं होती। तो उसको उसका काफ़ी स्ट्रेस था,
जब उसने रिवील किया तो उसकी काउंसलिंग उसके हिसाब से की गई, स्ट्रेस के हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया फैमिली को बिठा के, और जब वो चीज़ें समझ गई और कुछ दवा से जब उसकी एनजाइटी कम हुई तो उसको ये एपिसोड आने बंद हो गए। और ओपीडी की बात करें तो एक ओपीडी में पर्सन आए थे अपनी वाइफ को लेके, वाइफ की एज करीब 30 ईयर्स थी, तो पर्सन यहाँ गुड़गांव में वो जॉब करता है और जो उसकी वाइफ है वो गाँव में रहती है। तो बीच बीच में गाँव से खबर आती थी कि जो उसकी वाइफ है बच्चों की तरह बातें कर रही है और उसकी विजन भी चली जाती है, तो वो एक अंधे बच्चे की तरह बिहेव करने लग जाती है एक दो दिन तक। तो फिर वो गांव में वो उसको मल्टीपल फेथ हीलर्स के पास ले जाते हैं, झाड़ा लगवा देते हैं, मौलवी जी के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, और 2-3 दिन में वो नॉर्मल भी हो जाती है और बीच बीच में वो एग्रेसिव भी हो जाती है। तो जब भी उसको ऐसी चीज़ होती है तो हस्बैंड भी फिर गाँव जाता है उससे मिलने जब खबर आती है, और उसको वो भी अकंपनी करता है डिफरेंट जगह। तो जब वो मेरे पास केस आया तो हिस्ट्री जब हमने डिटेल में ली तो पता चला कि जब पेशेंट गुड़गांव में रहती है तब उसको ये एपिसोड नहीं आते, और जब गांव में रहती है जब ये एपिसोड उसको हर महीने 2-3 बार ऐसा हो जाता है। तो फिर उसका डायग्नोसिस हमने डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का बनाया, क्योंकि एक वो बच्चे की तरह बिहेव करने लग जाती थी, बच्चा बन जाती थी। तो फिर हमने तह में जाने की कोशिश की तो फिर पता चला कि उसको शहर में अच्छा लगता है, हस्बैंड के साथ रहना उसको अच्छा लगता है, और जो गांव में सांस है तो उससे भी अच्छी ढंग से नहीं बनती है। तो जब वो शहर में रहने लगी और थोड़ा हमने उसके कोपिंग स्किल पे काम किया, और थोड़ा जो उसको सिम्टम थे साइकोलॉजिकल, जैसे थोड़ा लो मूड था, थोड़ा बहुत एंजाइटी रेस्टलेसनेस था, नींद की समस्या आती थोड़ी बहुत, उस पर काम किया तो उसको काफ़ी फायदा हुआ, और अब वो पेशेंट को 2 साल से कोई भी वैसा एपिसोड नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होते हैं और कैसे होते हैं। और दोस्तों अगर जैसे कि मैंने बताया कि इसमें डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है तो इनको अल्टर कहा जाता है, कि जो डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है, और एक पर्सन में ये काफ़ी हो सकती है, ये 2 से लेके 100 पर्सनैलिटी तक भी हो सकती है एक पर्सन में। तो काफ़ी बार क्या होता है कि ऐसे में कि ये वास्तव में समस्या है या कोई पेशेंट एक्टिंग कर रहा है, काफ़ी बार इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होता है, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स केसेस में ये चीज़ डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाती। जैसे कि मैंने एक बुक का और मूवी का एग्जांपल दिया था कि सिबिल एक बहुत फेमस नॉवेल थी और उस पर मूवी भी बनी थी, उसमें एक रियल पर्सन की कहानी है। तो बाद में जिस पर्सन पर यह बुक लिखी गई थी और मूवी बनी थी, उस पर्सन ने अपनी लेट लाइफ में एक्सेप्ट किया था कि जो उसको प्रॉब्लम थी एक्चुअल में वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो एक्टिंग कर रही थी। तो इसीलिए जब ऐसे केसेस को देखा जाता है तो ये भी देखा जाता है कि कहीं पेशेंट एक्टिंग तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से थोड़ा ट्रीटमेंट डिफर हो जाता है। अब दोस्तों सवाल आता है कि ऐसे पेशेंटों को ठीक कैसे किया जाए। तो जैसे कि हम जानते हैं जब भी ऐसी समस्याएं होती हैं तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये कोई भूत प्रेत की समस्या है, किसी का साया है या कोई काला जादू है, तो लोग बाग डॉक्टर के पास नहीं आते और वो काफ़ी फेथ हीलर्स के पास जाते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं और झाड़ा वाड़ा लगवाते हैं काफ़ी, ठीक है, तो इस तरह से वो ट्रीटमेंट सीख करते हैं। तो ऐसे में देखा गया कि कुछ पेशेंट रियली में ठीक हो जाते हैं झाड़ा वाड़ा लगवाने से, जैसे कि भूलभुलैया मूवी में भी हमने देखा है, वहाँ पे डॉक्टर भी काम करता है और जो साधु महात्मा जी आए होते हैं वो भी अपना थोड़ा झाड़ा वाड़ा लगाते हैं और मिक्स अप्रोच से उसको पेशेंट को ठीक किया जाता है, जैसे मूवी में दिखाया है। तो अब क्वेश्चन आता है कि झाड़े से पेशेंट कैसे ठीक हो जाता है। तो दोस्तों जैसे कि जो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, वो एक ट्रॉमा के इवेंट के बाद काफ़ी ये प्रॉब्लम ट्रिगर होती है, और ये प्रॉब्लम ट्रॉमा के जाने के बाद अपने आप सॉल्व हो जाती है, तो जो कि कुछ दिन तक या वीक में अपने आप भी ठीक हो जाती है अगर हम कुछ ना करवाएं तो। कुछ लोगों की समस्या वैसे ही ठीक हो जाती है ट्रॉमा जाने पर। तो काफ़ी बार कोइंसिडेंस हो जाता है कि आपका ट्रॉमा भी गायब हुआ उसी समय झाड़ा लगवा लिया, तो इसलिए भी ये समस्या ठीक हो जाती है। दूसरा चीज़, जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो पर्सन हाईली सजेस्टेबल होते हैं, तो झाड़ा लगाते समय जब तांत्रिक या झाड़ा लगाने वाले जो भी महात्मा हैं उनको बोलते हैं कि अब आप ठीक हो रहे हो, अब आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया है, तो पेशेंट एक मैसेज ये ग्रहण कर लेता है सजेस्टेबल होने की वजह से कि अब मैं ठीक हो गया, तो उसके ये एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं उस समय, तो इसलिए भी उनको आराम आ जाता है। और ऐसे लोग जिनका जो स्ट्रेस है क्रोनिक है, या आपस में परिवार में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या कोपिंग स्किल बहुत ही पुअर है, ऐसे पर्सन को इलाज के लिए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, और उसके लिए आप नियर बाई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को विजिट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि जब पेशेंट साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तब इलाज कैसे किया जाता है। तो ऐसे में जब इलाज करने के लिए पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री ली जाती है, जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट है या पेशेंट की लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही हैं, इंटरपर्सनल इश्यूज जो चल रहे हैं उनको असेस किया जाता है,
पेशेंट की पर्सनैलिटी असेस की जाती है कि उसके कोपिंग स्किल कैसे हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, उसको असेस किया जाता है प्रॉपर ढंग से। और फिर पेशेंट के अगर कोपिंग स्किल पुअर मिलते हैं तो उनको इम्प्रूव किया जाता है कोपिंग स्किल ट्रेनिंग से। कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती हैं काउंसलिंग से माध्यम से, पेशेंट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। पेशेंट को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी किया जाता है पेशेंट पे। इस थेरेपी में जो भी पेशेंट के नेगेटिव थॉट्स हैं उनको टारगेट किया जाता है। इसके साथ साथ पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बताई जाती हैं। साथ में अगर ऐसा लगता है कि पेशेंट को किसी भी तरह के एंजाइटी के, डिप्रेशन के या कोई नींद की समस्या आ रही है तो उसको भी ठीक किया जाता है। और हर पेशेंट के हिसाब से जो भी हमें इनपुट मिल रहा है ये सारी थेरेपीज यूज़ की जाती हैं और देखा गया है कि बहुत अच्छा रेस्पॉन्स पेशेंट में आता है और ऑलमोस्ट सारे पेशेंट रेस्पॉन्स करते हैं। कुछ पेशेंटों में हिप्नोसिस भी यूज़ किया जाता है कि जो सबकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट है वो बाहर लाया जा सके, या पेशेंट में कितने अल्टर हैं या कितनी आइडेंटिटीज़ हैं उस इंटरव्यू के दौरान पेशेंट के, वो भी बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में और इसकी क्या वजह होती है, इसका कैसा ट्रीटमेंट होता है, क्या सिम्टम होते हैं, ये हमने डिटेल में जाना। धन्यवाद, नमस्कार।